हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम पैशन फ्रूट ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे लगा उसका अपडेट मैं आपको देती हूँ। ये है सितंबर का अपडेट। सितंबर में मुझे पैशन फ्रूट के कुछ सीड्स बेंगलोर से मिले थे और मैंने उनको ओनली कोकोपीट में इस तरह से लगा दिया है। 7 सीड्स मैंने इन छोटे छोटे से बॉक्सेस में लगा दिया है और इसमें मैंने प्रॉपर जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रखा है और इसको शेडी एरिया में रखा हुआ है। और देखिए, ये है अक्टूबर की अपडेट। अक्टूबर में जो है 7 सीड्स मैंने लगाए थे और 7 के 7 सीड्स से मेरी सैपलिंग्स तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी हेल्दी लग रही हैं। और दोस्तों, इस बार मैंने 2-3 तरह के पैशन फ्रूट लगाए हैं। उनकी वैरायटी के बारे में मुझे नहीं पता है। कुछ सीड्स मुझे देहरादून से मेरी फ्रेंड ने भेजे थे और ये देखिए, ये मैंने सैपलिंग्स तैयार किए और इनको अब मैंने शिफ्ट कर दिया है नीचे ज़मीन में। अभी तक तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। देखिए, इसके लीव्स का डिज़ाइन जो है सेम वैसे ही है जैसे पैशन फ्लावर का होता है। स्टार्टिंग में इसके लीव्स की शेप डिफरेंट होती है, ये देखिए, और जैसे जैसे ये ग्रो होता है तो बिल्कुल इसके लीव्स जो हैं पैशन फ्लावर की तरह ही आते हैं। ये हैं देहरादून की सैपलिंग्स जो मुझे देहरादून से सीड्स मिले थे, उनसे मैंने तैयार किए हैं। ये भी बहुत हेल्दी हैं और इनको भी मैं ज़मीन पे शिफ्ट कर दूंगी और आपको मैं इसका अपडेट देती रहूंगी। दोस्तों, आई थिंक ये समर में इन प्लांट्स को सेव करना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर जो अब लास्ट मई जून में गए हैं उसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। इसमें मैंने कुछ हमेलिया की कटिंग लगाई थी रेनी सीज़न में और देखिए वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो ये थी जानकारी पैशन फ्रूट के बारे में जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में ट्राई कर रही हूँ। मैं आपको इसका अपडेट देती रहूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।